रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी। प्रस्तावना। इस पुस्तक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? अमेरिका का द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त निवेशक तब मानता है जब उसके पास $200,000 या उससे अधिक की वार्षिक आय हो, या दंपत्ति के रूप में $300,000 या उससे अधिक की आय हो, या $1,000,000 या इससे अधिक नेटवर्थ या शुद्ध संपत्ति हो। SEC ने ये शर्तें इसलिए रखी है ताकि संसार के कुछ सबसे बुरे और सबसे खतरनाक निवेशों से औसत निवेशक की रक्षा हो सके। समस्या यह है कि इन्हीं शर्तों की वजह से औसत निवेशक संसार के कुछ सबसे अच्छे निवेशों से भी वंचित रह जाता है। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से अमीर डैड औसत निवेशक को सलाह देते हैं, शून्य से शुरुआत करना। यह पुस्तक 1973 में मेरे वियतनाम से लौटने से शुरू होती है। मरीन कार्प से मेरी वापसी में 1 साल से भी कम समय बचा था। इसका मतलब था कि 1 साल से भी कम समय में मेरे पास न तो कोई नौकरी होगी, न ही पैसा और न ही संपत्ति। तो यह पुस्तक एक ऐसे बिंदु से शुरू होती है जो आप में से कई के लिए परिचित होगा, और यह शून्य से शुरुआत का बिंदु है। 1973 में मेरे पास तो बस यह सपना था कि मैं किसी दिन बहुत अमीर बनूंगा और ऐसा निवेशक बनूंगा जो अमीरों के निवेशों में निवेश कर सके। इन निवेशों के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है क्योंकि इनके बारे में वित्तीय अखबारों में कुछ नहीं छपता और निवेश दलाल इन्हें सार्वजनिक तौर पर बेचते भी नहीं है। यह पुस्तक तब शुरू होती है सार्वजनिक तौर पर बेचते भी नहीं है यह पुस्तक तब शुरू होती है जब मेरे पास निवेशक बनने के एक सपने के सिवाय कुछ नहीं था और बस मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। चाहे आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा हो या ढेर सारा हो, चाहे आप निवेश के बारे में बहुत कम जानते हो या बहुत ज्यादा, यह पुस्तक आपकी दिलचस्पी के लिए है। निवेश बड़ा ही जटिल विषय है, परंतु इसे यथासंभव सरल बनाने की कोशिश की गई है। यह पुस्तक हर उस आदमी के लिए लिखी गई है जो बेहतर जानकार निवेशक बनने में रुचि रखता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। अगर आप पहली बार निवेश पर कोई ऑडियो पुस्तक सुन रहे हैं और इस बारे में चिंतित हैं कि कहीं यह ज्यादा जटिल न हो, तो चिंता छोड़ दें। आप में तो बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप खुले दिमाग से सुन लें। अगर पुस्तक के कुछ हिस्से आपको समझ न आए तो बस शब्द ही सुन लें और अंत तक सुनते रहें। हो सकता है कि आप हर चीज न समझ पाएं, लेकिन इसके बावजूद पूरी पुस्तक सुनने भर से आप निवेश के बारे में उन लोगों से ज्यादा जान पाएंगे जो वर्तमान में शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। दरअसल पूरी पुस्तक सुनकर आप निवेश के बारे में इतना अधिक जान पाएंगे जितना वे लोग भी नहीं जानते जिन्हें निवेश संबंधी सलाह देने के लिए तनख्वाह मिलती है। यह पुस्तक सरल निवेशों से शुरू होकर परिष्कृत निवेशों तक आगे जाती है। इसमें आपको विस्तृत विवरण और जटिलता के दलदल में फंसाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। कई मायनों में यह पुस्तक सरलता से शुरू होती है और सरल ही बनी रहती है। हालांकि इसमें कुछ बेहद परिष्कृत निवेश रणनीतियों का उल्लेख किया गया है, यह एक अमीर व्यक्ति की कहानी है जो एक युवा का मार्गदर्शन करता है। निवेश के अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर तस्वीरों और रेखा चित्रों का इस्तेमाल भी किया गया है। धन का 90-10 का नियम। मेरे अमीर डैडी इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेतो द्वारा खोजे गए 80-20 के नियम की कदर करते थे, जिसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन पैसे के क्षेत्र में अमीर डैडी 90-10 के नियम की ज्यादा कदर करते थे, जिसका मत है कि 10% लोग 90% पैसा बनाते हैं। मैं इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि अधिकाधिक परिवार अपने भविष्य के संबल के लिए अपने निवेशों पर निर्भर है। समस्या यह है कि हालांकि आज बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सुशिक्षित या प्रशिक्षित निवेशक हैं। शेयर बाजार के लुढ़कने या डहनेपा की संघीय सरकार
विनाशकारी क्षति से हमारी बचत का बीमा करती है, लेकिन यह हमारे निवेशों का बीमा नहीं करती। इसलिए जब मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा था, आप औसत निवेशक को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उनका जवाब था, औसत मत बने रहो। औसत कैसे न रहा जाए? निवेश के विषय के बारे में मैं बहुत जागरूक तभी बन गया था जब मेरी उम्र बस 12 साल थी। तब तक निवेश की अवधारणा दरअसल मेरे दिमाग में ही नहीं थी। मेरे दिमाग में तो निवेश के नहीं, बेसबॉल और फुटबॉल के ही विचार रहते थे। मैंने वह शब्द तो सुना था, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से यह नहीं देख लिया कि निवेश की शक्ति क्या कर सकती है। मुझे याद है, मैं उस आदमी के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था जिसे मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। हमारे साथ उनका बेटा माइक भी था जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अमीर डैडी ने उसी समय एक जायदाद खरीदी थी और वे मुझे तथा अपने बेटे को वही दिखाने लाए थे। हालांकि तब मेरी उम्र 12 साल थी, लेकिन फिर भी मुझे एहसास था कि मेरे अमीर डैडी ने उस वक्त हमारे कस्बे की सबसे मूल्यवान जायदादों में से एक खरीद ली थी। उस कच्ची उम्र में भी मैं जानता था कि बालोई समुद्र तट की जायदाद सामान्य जायदाद से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मेरा पहला विचार था, माइक के डैडी इतनी महंगी जायदाद कैसे खरीद सकते हैं। मैं वहां पर खड़ा रहा और लहरें मेरे नंगे पैरों से टकराती रही। मैं उस आदमी को देख रहा था जिसकी उम्र मेरे अमीर डैडी जितनी ही थी और जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश कर रहे थे। मुझे इस बात की हैरानी थी कि उनके पास इतनी महंगी जायदाद कहां से आई। मुझे मालूम था कि मेरे असल डैडी उनसे कहीं अधिक कमाई करते थे, क्योंकि वे ऊंची तनख्वाह पाने वाले सरकारी अधिकारी थे और उन्हें तगड़ी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरे असल डैडी कभी भी समुद्र तट के सामने वाली जमीन खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो फिर माइक के डैडी इस जमीन को कैसे खरीद सकते थे, जबकि मेरे असल डैडी नहीं खरीद सकते थे? उस वक्त मैं यह बात नहीं जानता था कि पेशेवर निवेशक के रूप में मेरा करियर उसी पल शुरू हो गया था जब मुझे निवेश शब्द की शक्ति का एहसास हुआ। अपने अमीर डैडी और उनके बेटे माइक के साथ समुद्र तट पर टहलने की उस घटना को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग मुझसे उनमें से कई सवाल पूछते हैं जो मैंने उस दिन पूछने शुरू किए थे। मेरी निवेश कक्षाओं में लोग मुझसे कमोबेश वैसे ही सवाल पूछते हैं जैसे पूछे थे। मसलन, पहला, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं निवेश कैसे कर सकता हूं? दूसरा, मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 है, आपके हिसाब से मुझे कहां निवेश करना चाहिए? तीसरा, आप किस में निवेश करने की सलाह देते हैं, अचल संपत्ति में, म्यूचुअल फंड में या फिर शेयरों में? चौथा, क्या मैं बिना पैसों के अचल संपत्ति या शेयर खरीद सकता हूं? पांचवा, क्या पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती? छठा, क्या निवेश जोखिम भरा नहीं है? सातवां, कम जोखिम में आपको इतना ज्यादा फायदा कैसे हो जाता है? आठवां, क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूं? लोग निवेश शब्द के भीतर छिपी शक्ति को समझ रहे हैं। कई लोग तो यह जानना चाहते हैं कि इस शक्ति को वे कैसे हासिल करें। जब आप यह पुस्तक पूरी सुन लेंगे तो आपको इसमें से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर कुछ सवालों के जवाब यहाँ नए भी मिले तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इतनी प्रेरणा मिल जाएगी कि अपने लिए कारगर जवाब खुद खोजने के लिए आगे मेहनत करें। 40 साल से भी अधिक समय पहले मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह यह थी कि उन्होंने मेरे भीतर निवेश के बारे में उत्सुकता की चिंगारी भर दी। मेरी उत्सुकता तब जागी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सबसे अच्छे मित्र के डैडी, जो तनख्वाह संबंधी तुलना करने पर मेरे असल डैडी से कम पैसा बनाते थे, एक निवेश कैसे खरीद सकते थे, जिन्हें खरीदना सिर्फ अमीर लोगों के ही बुते की बात थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे असल डैडी के पास नहीं थी, और मैं भी वैसी ही शक्ति हासिल करना चाहता था। कई लोग इस शक्ति से घबराते।
जबकि कुछ इसके शिकार बन जाते हैं। मैं इस शक्ति से दूर नहीं भागा। मैंने इसकी निंदा करते हुए ऐसी बातें नहीं कही कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, या निवेश खतरनाक है, या अमीर बनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। इसके बजाय मैं जिज्ञासु बन गया। इस शक्ति को समझने की मेरी जिज्ञासा और इसे हासिल करने की मेरी इच्छा ही थी, जिन्हें ज्ञान और योग्यताएं भी कहा जाता है, जिन्होंने मुझे खोजने और सीखने के आजीवन मार्ग पर अग्रसर किया। अमीर आदमी की तरह निवेश करना। हो सकता है कि यह पुस्तक आपके चाहे गए सारे तकनीकी जवाब न दे पाए, लेकिन इसका इरादा आपको यह बताना है कि कुछ सबसे अमीर स्वनिर्मित व्यक्तियों ने अपना पैसा कैसे बनाया और भारी दौलत कैसे हासिल की। 12 साल की उम्र में समुद्र तट पर खड़ा खड़ा जब मैं अपने अमीर डैडी की खरीदी जायदाद देख रहा था, तो मेरा दिमाग संभावनाओं के एक ऐसे संसार के प्रति खुला जो मेरे घर में मौजूद नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि यह पैसा नहीं था जिसने मेरे अमीर डैडी को अमीर निवेशक बनाया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी के सोचने का तरीका मेरे असल डैडी की सोच के विपरीत था और अक्सर इसके विरोध में जाता था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने अमीर डैडी जैसी आर्थिक शक्ति पाना चाहता हूं, तो मुझे उनके सोचने की आदत को समझने और अपनाने की जरूरत है। मैं जानता था कि अगर मैं उनकी तरह सोचने लगूं, तो हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। मैं यह भी जानता था कि अगर मैंने उनकी तरह सोचने की आदत नहीं डाली, तो मैं कभी सचमुच अमीर नहीं बन पाऊंगा, भले ही मेरे पास कितना भी पैसा क्यों न हो। अमीर डैडी के पास उस वक्त उन्होंने हमारे शहर की एक बहुत उपयोगी व महंगी जायदाद में निवेश कर दिया था। मुझे भान हुआ कि दौलत का ताल्लुक बैंक में जमा पैसों से नहीं, बल्कि सोचने के तरीके से होता है। अमीर निवेशकों की यही सोचने की आदत है, जिसके बारे में मैं आपको इस पुस्तक में बताना चाहता हूं। अमीर डैडी का जवाब। 40 साल पहले समुद्र तट पर खड़े खड़े मैंने आखिरकार अपने अमीर डैडी से यह पूछने का साहस जुटा लिया। आप समुद्र तट वाली इस बहुत महंगी 10 एकड़ जमीन को खरीदने का खर्च कैसे उठा सकते हैं, जबकि मेरे डैडी नहीं उठा सकते? अमीर डैडी ने तब मुझे जो जवाब दिया, उसे मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम मुड़कर समुद्र तट पर पानी के पास टहलने लगे। अमीर डैडी तब मुझे जोश के साथ समझाने लगे कि धन और निवेश के बारे में वे क्या सोचते थे और उनके नजरिए की बुनियादी निवेश के बारे में वे क्या सोचते थे और उनके नजरिए की बुनियादी बातें क्या थी। उनका जवाब इस बात से शुरू हुआ, मैं भी इस जमीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय उठा सकता है। हम उस दिन 1 घंटे तक तट पर टहलते रहे। अमीर डैडी के एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ मैं। मेरे निवेश के सबक शुरू हो गए थे। कुछ समय पहले मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन का निवेश पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। 1.5 दिन तक मैंने व्यवसाय बनाने के गुर और सबक सिखाई। आखिरकार एक कुंठित प्रतिभागी ने हाथ उठाया और कहा, मैं निवेश के बारे में सीखने आया हूं, आप व्यवसाय पर इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं? मेरा जवाब था, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हम अंततः किसी व्यवसाय में ही निवेश करते हैं। अगर आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आप एक व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग जैसी किसी जायदाद को खरीदते हैं, तो वह इमारत भी एक व्यवसाय है। अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तब भी आप किसी व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। एक अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको पहले व्यवसाय का अच्छा ज्ञान हासिल करना होगा। दूसरा कारण, निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका व्यवसाय आपकी खातिर निवेश खरीदे। निवेश करने का सबसे बुरा तरीका अकेले व्यक्ति के रूप में निवेश करना है। औसत निवेशक व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानता है और अक्सर अकेले व्यक्ति के रूप में निवेश करता है। इसलिए मैं निवेश पाठ्यक्रम में व्यवसाय पर इतना ज्यादा समय लगा रहा हूं, और इसलिए यह पुस्तक यह बताने में कुछ समय लगाएगी कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए और किसी व्यवसाय का विश्लेषण कैसे किया जाए। व्यवसाय के जरिए निवेश करने पर भी
मैं कुछ समय लगा कि अमीर डैडी ने मुझे इसी तरह निवेश करना सिखाया था जैसा उन्होंने मुझसे 40 साल पहले कहा था। मैं भी इस जमीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, मेरे अमीर डैडी का नियम था, मेरा व्यवसाय मेरे निवेश खरीदता है। अधिकांश लोग अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वे व्यवसाय के मालिक नहीं बल्कि अकेले व्यक्तियों के रूप में निवेश करते हैं। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि 90% शेयरों के स्वामी 10% लोग क्यों हैं, जिनमें से अधिकतर व्यवसाय मालिक हैं, और वे अपने व्यवसाय के माध्यम से निवेश क्यों करते हैं, और आप भी ऐसा ही कैसे कर सकते हैं। इन लोगों को मैं इस पुस्तक में 90-10 निवेशक कहता हूं। जब कोर्स खत्म हुआ तो जिस व्यक्ति ने मुझसे वह सवाल पूछा था वह समझ गया कि मैंने व्यवसाय संबंधी बातचीत में इतना ज्यादा समय क्यों लगाया था। इस साल से जैसे कोर्स आगे बढ़ा, उस व्यक्ति और पूरी कक्षा को एहसास होने लगा कि संसार में सबसे अमीर निवेशक निवेश नहीं खरीदते हैं, 90-10 की श्रेणी के अधिकतर निवेशक अपने निवेश खुद बनाते हैं। अमेरिका के कई अरबपतियों की उम्र 30 साल से कम है। इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने निवेश खरीदे थे, उन्होंने तो व्यवसाय नामक निवेश बनाए थे जिन्हें लाखों करोड़ों लोग खरीदना चाहते हैं। लगभग हर दिन मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, मेरे पास एक नए उत्पाद का विचार है जो करोड़ों कमा सकता है। दुर्भाग्य से इन रचनात्मक विचारों में से अधिकतर दौलत में नहीं बदल पाते हैं। इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि 10% लोग अपने विचारों को करोड़ों, यहां तक कि अरबों डॉलर के व्यवसायों में कैसे बदल लेते हैं जिनमें दूसरे निवेशक निवेश करना चाहते हैं। इसलिए अमीर मुझे यह सिखाने में इतना ज्यादा समय लगाया कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए। साथ ही उन्होंने यह सिखाने में भी समय लगाया कि निवेश करने के लिए व्यवसायों का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो अगर आपके पास कोई विचार हो जो आपके ख्याल से आपको अमीर बना सकता है या आपको शायद 90-10 के निवेशक क्लब में भी पहुंचा सकता है, तो इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा आप ही के लिए है। खरीदो, रोक कर रखो और प्रार्थना करो। बरसों तक अमीर डैडी ने मुझे बताया कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए निवेश का अलग अलग अर्थ होता है। आज मैं अक्सर लोगों की ऐसी बातें सुनता हूं। पहला, मैंने कुछ समय पहले फलां कंपनी के 500 शेयर $5 के भाव पर खरीदे थे। इसका भाव बढ़कर $15 पहुंच गया और मैंने सारे शेयर बेच दिए। मुझे एक सप्ताह से भी कम समय में $5,000 का फायदा हो गया। दूसरा, मेरे पति और मैं पुराने मकान खरीदते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और उन्हें मुनाफे पर बेच देते हैं। तीसरा, मैं कमोडिटी फ्यूचर्स के सौदे करता हूं। चौथा, मेरे सेवानिवृत्ति खाते में $1,000,000 से अधिक हैं। पांचवा, बैंक में पैसा रखने से अधिक सुरक्षित कुछ नहीं है। छठा, मेरे पास विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो है। सातवां, मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूं। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, भिन्न भिन्न लोगों के लिए निवेश का मतलब अलग अलग होता है। ऊपर बताए गए कथनों से पता चलता है कि निवेश उत्पाद और विधियां कई प्रकार की होती हैं। परंतु ध्यान रहे, अमीर डैडी ने इनमें से किसी भी तरीके से निवेश नहीं किया था। उनका कहना था, अधिकतर लोग निवेशक नहीं है, अधिकतर लोग तो स्टोरिये या जुआरी है ना करो की मानसिकता होती है। वे इस आशा से जीते हैं कि बाजार हमेशा ऊपर चढ़ता रहेगा। वे बाजार लुढ़कने से डरते रहते हैं। सच्चा निवेशक पैसे बनाता है चाहे बाजार ऊपर चढ़े या नीचे गिरे। वे पैसे बनाते हैं चाहे वे जीत रहे हों या हार रहे हों। औसत निवेशक ऐसा करने का तरीका नहीं जानता। इसलिए अधिकतर निवेशक औसत निवेशक होते हैं और 90% वाले समूह में रहते हैं जो केवल 10% धन कमाता है। खरीदने, रोक कर रखने और प्रार्थना से अधिक। अमीर डैडी का मानना था कि निवेश का मतलब खरीदने, रोक कर रखने और प्रार्थना करने से अधिक होता है। यह पुस्तक इन विषयों पर प्रकाश डालेगी। पहला, 10 निवेशक नियंत्रण जो जोखिम कम कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, निवेश जोखिम भरा नहीं है,
नियंत्रण न था, निवेश जोखिम भरा नहीं है, नियंत्रण न रहना जोखिम भरा है। दूसरा, अमीर डैडी की योजना के 5 चरण जो मुझे शून्य धन से बहुत सारे पैसों के निवेश तक ले गए। अमीर डैडी की योजना का पहला चरण यह था कि वे मेरे दिमाग को अमीर निवेशक बनने के लिए तैयार कर दें। जो भी आत्मविश्वास के साथ निवेश करना चाहता है उसके लिए यह एक आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तीसरा, भिन्न भिन्न निवेशकों के लिए भिन्न भिन्न टैक्स कानून। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक में मैंने व्यवसाय जगत में पाए जाने वाले 4 लोगों के बारे में बताया है जो इस प्रकार है। ई का मतलब है एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारी। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगार या छोटा कारोबार करने वाले। बी का मतलब है बिजनेस ओनर यानी कि व्यवसाय का मालिक। अमीर डैडी ने मुझे बी क्वाड्रेंट से निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि यहां से निवेश करने के लिए कर कानून बेहतर हैं। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, कर कानून निष्पक्ष नहीं है, वे अमीरों द्वारा अमीरों के लिए बनाए गए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन्हीं कर कानूनों का लाभ लेने की जरूरत है जिनका लाभ अमीर लेते हैं। 10% लोग ही अधिकतम दौलत को नियंत्रित करते हैं। इसका एक कारण यह है कि केवल 10% ही जानते हैं कि किन कर कानूनों का इस्तेमाल किया जाए। 1943 में संघीय सरकार ने कर में कमी के सभी जरिए सभी कर्मचारियों के लिए बंद कर दिए। 1986 में संघीय सरकार ने एस क्वाड्रेंट के लोगों के कर में कमी के सभी जरिए भी बंद कर दिए, जिसमें डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे लोग शामिल हैं। दूसरे शब्दों में केवल 10% निवेशकों के 90% धन बनाने का एक कारण यह भी है कि केवल 10% निवेशक ही जानते हैं कि भिन्न भिन्न कर लाभों को हासिल करने के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट से निवेश कैसे करना है। औसत निवेशक सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट से निवेश करता है। चौथा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, सच्चा निवेशक पैसा क्यों और कैसे कमाएगा। पांचवा, आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश में फर्क। छठा, शीर्ष स्तर के निवेशकों के 5 प्रकार। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने निवेशकों के 5 स्तर बताए हैं। यह पुस्तक निवेशकों के 2 शीर्षस्थ स्तरों, पेशेवर और पूंजीपति, को निवेशकों के निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध करती है। पहला, मान्यता प्राप्त निवेशक। दूसरा, योग्यता प्राप्त निवेशक। तीसरा, परिष्कृत अंदरूनी निवेशक। और पांचवा, सर्वश्रेष्ठ निवेशक। इस पुस्तक के खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि इनमें से प्रत्येक निवेशक के लिए कितनी योग्यता व शिक्षा की जरूरत होती है। सातवां, पर्याप्त पैसे न होने और बहुत ज्यादा पैसे होने के बीच का फर्क। कई लोग कहते हैं, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो मेरी पैसे संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसे होना भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी कि पर्याप्त पैसे न होना। इस पुस्तक में आप 2 तरह की धन संबंधी समस्याओं के बीच का फर्क सीखेंगे। एक समस्या है पर्याप्त धन न होने की समस्या, दूसरी समस्या है बहुत ज्यादा धन होने की समस्या। बहुत कम लोगों को एहसास है कि बहुत ज्यादा पैसे होना कितनी बड़ी समस्या की बात हो सकती है। बहुत सारा पैसा बनाने के बाद इतने सारे, इसका एक कारण यह है कि वे यह जानते ही नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसों की समस्या से कैसे निपटा जाए। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि पर्याप्त पैसे न होने की समस्या के साथ कैसे शुरू किया जाए, बहुत सारा पैसा कैसे बनाया जाए और फिर बहुत ज्यादा पैसे होने की समस्या से कैसे निपटा जाए। दूसरे शब्दों में यह पुस्तक आपको सिर्फ यही नहीं सिखाएगी कि बहुत सारा पैसा कैसे बनाना है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाएगी कि इसे अपने साथ कैसे बनाए रखना है। जैसा अमीर डैडी कहते थे, अगर आप बाद में सब कुछ गंवा दें तो फिर बहुत सारे पैसे बनाने का क्या फायदा। एक शेयर दलाल मेरा मित्र है, उसने एक बार मुझसे कहा था, औसत निवेशक बाजार में पैसे नहीं बनाता है। मैंने बहुत सारे निवेशकों को 1 साल पैसे बनाते और अगले साल उस सारे पैसे को डुबोते देखा है। आठवां,
$2,00,000 बनाते और अगले साल उस सारे पैसे को डुबोते देखा है। आठवां, $2,00,000 से अधिक कैसे बनाया जाए, जो अमीरों के निवेश में निवेश करने का न्यूनतम आमदनी स्तर है। अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, पैसा सिर्फ एक दृष्टिकोण है। अगर आप सोचते हैं कि $2,00,000 बड़ी भारी रकम है, तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं? अगर आप अमीर निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको यह देखने की जरूरत है कि $2,00,000, जो मान्यता प्राप्त निवेशक बनने की आवश्यक शर्त है, बाल्टी में पानी की एक बूंद से ज्यादा नहीं है। और इसलिए इस पुस्तक का पहला चरण इतना महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का पहला चरण अमीर निवेशक के रूप में आपको मानसिक तौर पर तैयार करता है। इसके हर अध्याय के अंत में आपके लिए एक छोटी मानसिक प्रश्नावली भी दी गई है। हालांकि प्रश्नावली के प्रश्न सरल हैं, लेकिन उन्हें इस तरह तैयार किया गया है ताकि आप सोच विचार करें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे पूछे थे। उन्होंने ही वे जवाब खोजने में मेरी मदद की जिनकी मुझे तलाश थी। दूसरे शब्दों में, निवेश के विषय पर मैं जिन जवाबों की तलाश कर रहा था, उनमें से कई तो दरअसल मेरे भीतर पहले से ही मौजूद थे। कौन सी चीज 90-10 निवेशक को भिन्न बनाती है? औसत निवेशक और 90-10 निवेशक के बीच के मानसिक अंतर इस पुस्तक के पहले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो बस यह पता लगा लें कि हर कोई क्या कर रहा है और फिर उसका ठीक उल्टा कर दें। यह पुस्तक पढ़ने पर आप पाएंगे कि 90% पैसा बनाने वाले 10% निवेशक और 10% पैसा बनाने वाले 90% निवेशकों के बीच फर्क इस बात का नहीं होता कि वे किस चीज में निवेश करते हैं। फर्क तो यह होता है कि वे कितने अलग तरीके से सोचते हैं। मिसाल के तौर पर, पहला, अधिकतर निवेशक कहते हैं, जोखिम मत लो, अमीर निवेशक जोखिम लेता है। दूसरा, अधिकतम निवेशक कहते हैं, डाइवर्सिफाई या विकेंद्रीकरण करो, अमीर निवेशक अपने निवेशों को केंद्रित करता है। तीसरा, औसत निवेशक कर्ज को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, अमीर निवेशक लाभकारी कर्ज को बढ़ाता है। चौथा, औसत निवेशक खर्च कम करने की कोशिश करता है, अमीर निवेशक जानता है कि खुद को अमीर बनाने के लिए खर्च कैसे बढ़ाई जाए। पांचवा, औसत निवेशक के पास एक नौकरी होती है, अमीर निवेशक नौकरियों का सृजन करता है। छठा, औसत निवेशक कड़ी मेहनत करता है, अमीर निवेशक अधिकाधिक पैसे बनाने के लिए कम से कम काम करता है। सिक्के का दूसरा पहलू, जो इस पुस्तक को सुनने का एक अहम पहलू इस बात पर गौर करना है कि कब आपके विचार मेरे अमीर डैडी के मार्गदर्शक विचारों के लगभग विपरीत हैं। अमीर डैडी कहते थे, इतने कम लोग अमीर बनते हैं, इसका एक कारण यह है कि वे सोचने के एक ही तरीके पर अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी चीज को करने या सोचने का बस एक ही तरीका होता है। अगर औसत निवेशक सोचता है, सुरक्षित तरीके से निवेश करो और जोखिम मत लो, तब अमीर निवेशक को यह भी सोचना होता है कि अपनी योग्यताओं को बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि वह अधिक जोखिम ले सके। इस तरह की सोच को अमीर डैडी सिक्के के दोनों पहलुओं पर सोचना कहते हैं। इसके बाद वे कहते हैं, अमीर निवेशक की सोच औसत निवेशक से अधिक लचीली होती है। अमीर निवेशक की सोच औसत निवेशक से अधिक लचीली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, हालांकि औसत और अमीर दोनों ही निवेशकों को सुरक्षा के बारे में सोचना होता है, लेकिन अमीर निवेशक को यह भी सोचना पड़ता है कि अधिक जोखिम कैसे लिए जाए। अब औसत निवेशक कर्ज कम करने के बारे में सोचता है, तब अमीर निवेशक इस बारे में सोचता है कि कर्ज को कैसे बढ़ाया जाए। जब औसत निवेशक बाजार लुढ़कने के डर में जीता है, तब अमीर निवेशक बाजार लुढ़कने की राह देखता है। हालांकि यह औसत निवेशक को विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही विरोधाभास तो है जो अमीर निवेशक को अमीर बनाता है। इस पुस्तक को सुनते समय औसत निवेशकों और अमीर निवेशकों के बीच के विरोधाभासों के बारे में जागरूक बने। जैसा अमीर डैडी कहते थे, अमीर निवेशक इस बारे में बहुत जागरूक होता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। औसत निवेशक
सिर्फ एक ही पहलू को देखकर सिक्के के दो पहलू होते हैं। औसत निवेशक सिर्फ एक ही पहलू को देखता है, और औसत निवेशक जिस पहलू को नहीं देख पाता है वही पहलू औसत निवेशक को औसत तथा अमीर निवेशक को अमीर बनाता है। इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में है। क्या आप औसत निवेशक से अधिक बनना चाहते हैं? यह पुस्तक निवेश, शेयर खरीदने की जोरदार टिप्स और जादुई फार्मूलों वाली किताब से कहीं अधिक है। इसे लिखने का एक उद्देश्य आपको निवेश के विषय पर एक भिन्न दृष्टिकोण हासिल करने का अवसर देना है। पुस्तक वियतनाम से 1973 में मेरी वापसी से शुरू होती है, जब मैंने अमीर निवेशक के रूप में निवेश करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। 1973 में अमीर डैडी ने मुझे सिखाना शुरू किया कि उनके जैसी आर्थिक शक्ति हासिल कैसे की जाए। वह शक्ति जिसके बारे में मैं 12 होने पर मुझे एहसास हुआ था कि निवेश के मामले में मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के बीच का फर्क बहुत गहरा था। उनमें सिर्फ इतना ही फर्क नहीं था कि उनके पास निवेश करने के लिए कितना पैसा था, फर्क तो औसत निवेशक से कहीं अधिक बनने की गहरी इच्छा का था। अगर आप में यह इच्छा है तो आगे सुनते रहें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय एक की तरफ, जो है मुझे किस में निवेश करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।